नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। करहल तहसील मुख्यालय पर लेखपालों ने दिया धरना। उप जिलाधिकारी रतन वर्मा को सौंपा 12 सूत्रीय ज्ञापन। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर एक बार फिर लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। जनपद के मैनपुरी भोगांव करहल तहसील मुख्यालय क्षेत्र के लेखपाल आंदोलन करते दिखे हैं। आज क्षेत्र के लेखपालों ने अपने अपने तहसील मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर साथी लेखपालों से आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस दौरान लेखपालों ने उप जिलाधिकारी रतन वर्मा के माध्यम से 12 सूत्रीय मांगों पत्र प्रदेश सरकार को भेजा। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल हल लेखपालों के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन से विभिन्न गांव में आए फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लेखपाल से जूझते दिखे। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर लेखपाल चंद्रकेतु यादव, लेखपाल अंजनी यादव और अध्यक्ष विनय यादव का क्या कहना है। आइए सुनते हैं सविस्तार। हड़ताल की किस वजह दे रहे हैं, क्या है हड़ताल? हमने अपनी कुछ मांगों के लिए किया है। आज हमारी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ है कि एक दिवसीय हड़ताल है, जिसमें हमने अपनी मांगे रखी है 12, जिसमें कि अपना मोबाइल स्मार्टफोन और लैपटॉप की भी डाटा चार्ज, वेतन संबंधी और अपने पद का नाम परिवर्तन आदि समस्याओं को लेकर ये हड़ताल की है। ये हम धारा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, ये पूर्व से ही चला आ रहा है। क्रांति कार्यकारिणी द्वारा पहले भी सरकार को नोटिस दिए गए, जिसके संबंध में कार्यवृत्त भी जारी किए गए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में 12 सूत्री मांगों के संबंध में आज हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। 4 बजे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाना है, उसके बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती है 16 तारीख के लिए तक समय दिया जा रहा है सरकार को। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे कार्यक्रम क्रांति कार्यकारिणी घोषित किया करेगी। उसी अनुसार हम लोग